स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कहते हैं माँ भगवान का दूसरा रूप है। कहने वालों का कहना है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसीलिए भगवान ने माँ बना दी। माँ बनना हर महिला का सपना होता है। शादी के बाद हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी गोद में बच्चा किलकारी मारे। कुछ साल पहले महिलाएं जमकर घरों में परिश्रम करती थी, शायद यही वजह थी कि महिलाएं घर में ही दाई की मदद से बच्चे को जन्म दे देती थी। लेकिन आज इसकी कल्पना करना भी समझ से परे की बात है। आज अधिकतर महिलाएं मां बनने से पहले ही सरकारी अस्पताल का रुख कर लेती हैं। बच्चे के जन्म से पहले ही महिला को टीके लगने शुरू हो जाते हैं। यही नहीं, जन्म लेने के बाद नवजात को भी टीके लगवाने पड़ते हैं। यानी आज मां बनना भी आसान नहीं, और मां बनने के बाद किन गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते थे उन्हें बांझ तक भी कह दिया जाता था। यही नहीं, ऐसी महिलाओं को अक्सर अपने ससुराल में प्रताड़ना के साथ साथ ताने भी सुनने पड़ते थे। कई महिलाओं को तो मायके तक में बिठा दिया जाता था। लेकिन आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि नई नई तकनीक की मदद से बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। ट्यूमर, बच्चेदानी में रसोली तथा बांझपन जैसी बीमारियां अब जमाने की बात हो गई है। कभी आपने यह भी सोचा कि बच्चे बुद्धिमान कैसे पैदा होते हैं? किस उम्र के बाद यदि बच्चों को पैदा किया जाए तो वह मोटे दिमाग वाले पैदा होंगे? किस उम्र में माँ बाप यदि बन जाए तो वह स्टेज कितनी खतरनाक होती है? आज आपको हमारा यह कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए। महिलाएं कितनी आसानी से माँ बन सकती हैं तथा बच्चे पैदा ना करने की स्थिति में भी कैसे माँ बना जा सकता है, यह जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। आज हमने ऐसी ही एक प्रतिभाशाली तथा गुणवान महिला चिकित्सक से बात की, तो उन्होंने कैमरे के सामने खुलकर ना केवल नसीहत दी बल्कि अच्छे तौर तरीके भी बता दिए। हमारे चीफ एडिटर हरीश चावला ने गुरु नानक अस्पताल की संचालिका डॉक्टर प्रभजोत कौर से महिलाओं से संबंधित होने वाली गंभीर बीमारियों को लेकर स्वयं बातचीत की। आपको भी यह बातचीत जरूर सुननी चाहिए ताकि निकट भविष्य में यदि आप माँ बाप बनने वाले हैं तो आपको माँ बाप बनने में मुश्किल पेश ना आए। इससे पहले आपको हम डॉक्टर प्रभजोत कौर के पास ले जाएं, पहले हमारी देखिए एक विशेष रिपोर्ट, फिर आपको सुनवाते हैं डॉक्टर प्रभजोत कौर से खास बातचीत। देश के इतिहास के पन्नों को फिर से गौरवपूर्ण बनाना है। दुनिया के क्षितिज पर अब एक रंग नया दिखाना है। भारत की हर एक बेटी को चांद सूरज सा बनाना है। मिशन पिंक हेल्थ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा स्टार्ट किया गया लार्जेस्ट कम्युनिटी हेल्थ इनिशिएटिव है, जिसके द्वारा हम अपनी टीनेज बच्चियों को, अपनी एडोलेसेंट गर्ल्स को एनीमिया से मुक्त करवाना चाहते हैं। एनीमिया मुक्त भारत आज हम सब डॉक्टर्स का सपना है, और एडोलेसेंट गर्ल्स को स्पेशली इसलिए चुना गया है कि इस एज ग्रुप में मल्टीपल रीजन से, चाहे हमारी बच्चियों का बहुत ही रैपिड विकास जिस तरह से कली फूल में परिवर्तित होती है, इस समय पे लड़कियां बहुत ही तेजी से अपने शारीरिक और मानसिक विकास का अनुभव कर रही हैं। लेकिन एनीमिया या खून की कमी होना उनके लिए एक ऐसी बाधा है कि ना केवल ये एक बच्चे को जल्दी थका देता है, हमारी कैपेसिटी कम कर देता है, हमारा स्टेमिना कम कर देता है, हमें स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने देता, कहीं ना कहीं ये हमारे करियर को भी प्रभावित कर सकता है। और बहुत ही चुलबुला, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अनूठा, अनोखा नन्हा सा समय है हम सबके जीवन का, जिसमें अगर हमारी बच्चियों की हेल्थ अच्छी हो, सेहत अच्छी हो, शारीरिक विकास अच्छा हो, मानसिक विकास अच्छा हो, तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि इन बच्चियों का ख्याल करके हम न केवल पूरे परिवार का ख्याल कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने भावी भारत के भविष्य का निर्माण कर।
सभी ओर से उम्मीद छोड़ चुके निसंतान दंपत्ति के लिए आशा का सूरज डॉक्टर प्रभजोत कौर, जिनकी वजह से अब तक हजारों निराश परिवारों के आंगन में गूंजी है बच्चों की किलकारी। डिवाइन इंडिया IVF सेंटर। घर में बच्चों की किलकारी हर परिवार की ख्वाहिश होती है। खुशकिस्मत हैं वो परिवार जिनका घर इन किलकारियों से फल फूल रहा है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि किसी आंगन में आज भी एक फूल खिलने का इंतजार है, किसी की आंखों में आज भी अपने संतान का दीदार है। इंतजार के अंधेरों को रोशनी में बदलते हुए ऐसे परिवारों की उम्मीद की किरण है गुरु नानक हॉस्पिटल। गुरु नानक हॉस्पिटल एंड डिवाइन इंडिया IVF सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उत्तर भारत के करनाल में स्थित एक ऐसा संस्थान जहां IVF तकनीक के माध्यम से निसंतानता का इलाज किया जाता है। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि एक उपाधि है संपूर्णता की, जो एक महिला को एहसास दिलाती है कि उसका अंश आने वाले समय का हिस्सा है। लेकिन सभी महिलाओं को यह सौभाग्य नहीं मिल पाता और इसकी बहुत सी वजह हो सकती है, और गुरु नानक हॉस्पिटल एवं डिवाइन इंडिया IVF सेंटर में हम इस वजह की बड़ी सटीकता से तलाश करते हैं और फिर उसी दिशा में इलाज। मुझे खुशी है कि परमात्मा की असीम कृपा से लगभग ना उम्मीद हो चुके लोगों को भी इस विधि से संतान सुख मिला है। हम इस दिशा में प्रयासरत हैं कि हर घर में बच्चों की किलकारी गूंजे और आप सब नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। कहते हैं माँ भगवान का दूसरा रूप है। माँ बनना हर महिला का सपना होता है, और कहते हैं जहाँ भगवान नहीं होते इसलिए भगवान ने वहाँ माँ को पहुँचा दिया। लेकिन आज भले ही आधुनिक दौर आ गया हो, आधुनिक तकनीक आ गई हो, लेकिन आज माँ बनना उतना आसान भी नहीं रहा। पुराने ज़माने में आज से 20 या 30 साल पहले घर में एक दाई को बुलाया जाता था और वो गर्म पानी करती थी, हमें अच्छी तरह पता है, और घर के अंदर ही डिलीवरी हो जाती थी। लेकिन आज कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो अस्पताल में बच्चे को जन्म देने से पहले इंजेक्शन ना लगवाती हो। ये सरकारी हिदायत भी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या हमारा खान पान इतना ख़राब हो गया कि बच्चा जन्ने के लिए महिलाओं को ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती है? लेकिन आज की अगर बीमारियों की बात करें, यह आपको प्रोग्राम पूरा देखना चाहिए, क्योंकि जिस शख्सियत से आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ, आपको उनकी एक एक बात बहुत अच्छी लगेगी। अगर वो बात आपके दिमाग में ठीक से उतर गई तो निश्चित तौर पर मैं दावा कर सकता हूँ कि आप अगर निसंतान हैं, किसी ने आपको ये कह दिया हो कि आप माँ नहीं बन सकती, जैसे अक्सर ससुराल में ताने मारे जाते हैं महिलाओं को कि ये तो माँ बनने के काबिल नहीं है, ये दावे सारे फेल हो जाते हैं। आज विज्ञान मेडिकल साइंस ने बड़ी तरक्की की है। ऐसा भी नहीं कि मेडिकल साइंस की तरक्की होने के बाद कुशल डॉक्टर नहीं है, बड़े परफेक्ट प्रतिभावान डॉक्टर हैं और बाहर नहीं है, हमारे करनाल में है। मैं आपकी मुलाकात जरूर करवाऊंगा। आपने अक्सर सुना होगा निसंदान, किसी की ट्यूब बंद है, किसी की अंडेदानी में छेद है, किसी की महिला की रसोली होगी अंडेदानी में, इस तरह की कई भयंकर बीमारियां। एक महिला की जो अंडेदानी में जो रसोली होती है वो इतनी दर्दनाक बीमारी है कि अगर वो एक बार अच्छी तरह से ऑपरेट हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो दोबारा हो जाए, यानी किसे हम दर्दनाक बीमारी बता सकते हैं। अक्सर ब्रेस्ट का कैंसर, कई तरह की महिलाओं में बीमारी होती है।
तो मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ डॉक्टर प्रभजोत कौर जी से। ये गुरु नानक अस्पताल की संचालिका हैं और सबसे बड़ी इनकी खासियत बता देता हूँ कि 4 साल ये इंग्लैंड में रहे, इन्होंने मेडिकल यूनिवर्सिटी लंदन में पढ़ाई की, शिक्षा दीक्षा की। उसके बाद ये इनका सपना था कि पंजाब में एक बड़े शहर में अस्पताल खोला जाए और किसी तरह लोगों का भला किया जाए, लेकिन जब काफ़ी देर से वहाँ इनको यह महसूस हुआ कि वहाँ प्रदूषण की बड़ी भारी समस्या है, तो ये इन्होंने अपना अस्पताल करनाल में खोल लिया। करनाल में इनको अस्पताल खोले हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, मेरे ख्याल 10-12 साल हुए हैं, वो इंटरव्यू में खुद बताएँगे। लेकिन थोड़े समय में ये मतलब एक प्रतिभावान डॉक्टर यहाँ कहलाती हैं और महिलाओं का बारीकी से अच्छी तरह से इलाज करवाती हैं। और मरीज ऐसे ऐसे मरीज जो 50-60 की एज में माँ बाप नहीं बन सकते थे, उनकी गोद में आज बच्चे खेल रहे हैं। बड़ी बात है कि ऐसी प्रतिभावान डॉक्टर को अवार्ड ना दिया जाए, यह भी एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है इनके साथ। इन्हें काफ़ी अवार्ड मिल चुके हैं, हालांकि इतने ज़्यादा अवार्ड मिले हैं उनकी संख्या तो मैं आपको नहीं बता सकता, डॉक्टर साहब से पूछेंगे, बहुत दर्जनों अवार्ड हैं। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इनको लास्ट ईयर एक प्रतिभा के नाते इनमें जो गुण हैं उन्हें सम्मानित कर चुकी है डॉक्टर प्रभजीत कौर को। इसके अलावा गोवा के गवर्नर भी न्यू दिल्ली में इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जो रही पहले केंद्र में, वो भी इन्हें सम्मानित कर चुकी हैं, और केंद्र में ही मंत्री रही सांसद महारानी परनीत कौर भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। आज हम डॉक्टर प्रभजोत कौर से महिलाओं की समस्याओं को लेकर और कोरोना की 2-4 बातें भी उनसे ज़रूर करेंगे भी किस तरह का बचाव होना चाहिए। डॉक्टर प्रभजोत कौर जी आज हमारे साथ हैं समाचार एक्सप्रेस के साथ, ताकि हम आपकी जो समस्याएं जो आम महिलाओं से जुड़ी होती हैं आपके साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं छोटी सी बीमारी को लेकर घबरा जाती हैं, तनाव में रह जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बीमारी चाहे महिलाओं की कितनी भी बड़ी हो, 80-90% मरीज ऐसे होते हैं जो इलाज से बिल्कुल ठीक होते हैं। तो डॉक्टर प्रभजोत कौर जी, सबसे पहले समाचार एक्सप्रेस पर आपका स्वागत करता हूँ, और सबसे मेरा पहला आपसे यही सवाल रहेगा महिलाओं से संबंधित कि खान पान की वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं या कुछ जो खाद्य पदार्थों में जो जहरीले तत्व आ गए हैं उनकी वजह से है, या कुछ अनदेखी हो रही है, किस तरह की ये बीमारियां गंभीर रूप से महिलाओं को घेरती जा रही हैं, ऐसे क्या रीज़न है? सबसे पहले मैं कारण पूछूंगा। हरीश जी, ये जो अब कलयुग के दौर में बीमारियों का बढ़ना, ये सिर्फ महिलाओं में ही नहीं है बल्कि पुरुषों में भी है। और मैं अब काफ़ी बड़ी उम्र में पहुंच चुकी हूँ और मैंने सारी ज़िंदगी ये महसूस किया, बहुत स्ट्रांगली महसूस किया कि अप टू 80-90% या आप कह लीजिए 70-80% बीमारियाँ इंसान के जीवन में होने वाली, चाहे वो महिला को हो या पुरुष को, हम एक बहुत लार्ज परसेंटेज इन बीमारियों की बचा सकते हैं अगर हम उनको कुछ हिदायतें, कुछ तरीके, कुछ काउंसलिंग, कुछ हर बीमारी के से बचने के तौर तरीके समझाने में वक्त लगाएं अपने मरीज़ों को, और जनरल पॉपुलेशन में जितना हो सके इस इंफॉर्मेशन को फैलाएं कि किस तरह से हम 70-80% बीमारियां हम बचा सकते हैं। औरतों के केस में क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हम बारीकी से पेशेंट को नहीं समझा सकते, सो पहली बात तो मैं ये चाहूँगी एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते कि हमारी जितनी भी जवान लड़कियां हैं, चाहे वो गांव में हैं या शहर में, आप अपनी शादी होने से एक बार, सिर्फ एक बार, और शादी होने से पहले अगर आप किसी ऐसे डॉक्टर को विज़िट करें हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ प्रिवेंशन, मतलब बचाव की शक्ति, बचाव की महान शक्ति में जो विश्वास करते हों, कि डॉक्टर मुझे कुछ ऐसी बातें ज़रूर बताइएगा ताकि मैं सारी ज़िंदगी किसी गायनेकोलॉजिस्ट की मरीज़ ना बनूं, किसी स्त्री रोग विशेषज्ञ की मरीज़ ना बनना पड़े मुझे। और मैं बड़े ही प्रेम से ये बात कहती हूँ और बड़ी प्रसन्नता होती है मुझे ये बात कहते हुए अपनी फीमेल पेशेंट्स को कि डॉक्टर कुछ ऐसी बातें भी ज़रूर बताइएगा ताकि
चाहे भगवान ने मेरी उम्र 70, 80, 90, 100 साल जो भी बख्शी हो, कि शादी के 50, 60, 70, 80 साल भी पति मेरी ओर देखे और सदा यही कहे कि ये कुड़ी तो कल ही ब्याह के लांदी है, कल ही शादी करके लाया हूँ इस लड़की को, ये तो नई की नई और फ्रेश की फ्रेश है, इसे तो कभी बीमारियाँ ही नहीं लगी। तो इतने प्रेम पूर्वक अगर मैं अपनी बेटी का, देखो मेरी बेटी के प्रति मेरी ये फीलिंग होगी, तो मेरी यही भगवान से दुआ है कि इस तरह की हम इन्फॉर्मेशन अपनी बेटियों को दें कि जो खासकर शादी के बाद इन्फेक्शंस की समस्याएं हैं, जो सारी ज़िंदगी एक तरह से ये हमारे पेशेंट्स होते हैं सारी ज़िंदगी, पहले एक्यूट इन्फेक्शन और फिर क्रॉनिक, और फिर उसके बाद घर वाले समझ जाते हैं ये तो बीमारी रहती है, चलो कोई बात नहीं, इसको बस सारी ज़िंदगी चक्कर ही लगाने हैं डॉक्टर्स के, और कीटाणु संक्रमण से रिलेटेड जो बचाई जा सकती है, और पेशाब की थैली में जो कीटाणु आ जाते हैं जिसको हम हनीमून इन्फेक्शन कहते हैं, हनीमून इन्फेक्शंस, जिसको कितनी अच्छी तरह से बचाया जा सकता है, और सिंपल हिदायतें कि शादी के बाद कृपया करके शर्म ना कीजिएगा, पानी आपको दबा के लेना है, वाइट शुगर का प्रयोग कम से कम करें, भगवान की दी हुई मीठी चीज़ें जैसे फ्रूट्स का प्रयोग आप खुद दिल खोल के कर सकते हैं, और जवान लड़कियां जिनकी नई नई शादी होती है अगर ये खुले दिल से दही का प्रयोग करते हैं अपने घर में तो इनको कीटाणु संक्रमण से हेल्प मिल सकती है, प्लस अदर इंस्ट्रक्शंस जो स्पेसिफिक हैं जो इनको सारी ज़िंदगी के लिए ये वाकई ही ये सपना उनका पूरा कर सके कि दे कैन स्टे हेल्दी एंड ब्यूटिफुल ऑल देयर लाइफ। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि शादी से पहले विजिट, ऐसा मैंने बहुत कम डॉक्टरों को कहते हुए सुना है मरीज से, लेकिन आप जिस तरह से महिलाओं को और युवतियों को जिस तरह से गाइड कर रही हैं ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, और ये ख़ास तौर पर जो भी ये जो प्रोग्राम इस समाचार एक्सप्रेस पर देख रहे हैं उसे ध्यान से सुनना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले इसी बात पर आऊँगा कि शादी के बाद क्या कौन सी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो पहले हल्की होती है बाद में गंभीर हो जाती हैं? हरीश जी, हमारे बच्चों में आजकल पॉलीसिस्टिक ओवरी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है हमारी यंग बच्चियों में, और स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली ये बच्चियों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और धीरे धीरे अगर हम इनको लाइफस्टाइल की काउंसलिंग ना दें और इस प्रकार का कॉन्फिडेंस ना दें कि हाँ हाँ बेटे, ये हमारी देश की हर बेटी को किस तरह से दवाइयों का मरीज़ नहीं बनना है, और किस तरह से इनको ये हमारी काउंसलिंग से ही सब दवाइयों से भी दूर रहेंगे और अपनी प्रॉब्लम भी धीरे धीरे, हो सकता है किसी को 1 साल लगे, हो सकता है किसी को 1.5-2 साल लग जाए, लेकिन अगर हमारी अच्छी काउंसलिंग से इन मरीज़ों की सारी ज़िंदगी की दवाइयां छूट जाएं और इनकी प्रॉब्लम्स स्वतः यानी कि अपने आप ही ठीक होती चली जाएँ, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम धीरे धीरे ज़िंदगी में बढ़ जाती है, और ये इतनी हमें परेशान कर सकती है कि ये एक निसंतानता का एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है। सभी निसंतानता होती क्या है, किस वजह से होती है? निसंतानता के मरीजों में 40% कारण स्त्री के साथ, 40% कारण पुरुष में रिलेटेड समस्याओं के साथ, और 20% कारण जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ जुड़े हो सकते हैं। जैसे एक शब्द है हिंदी में हमारे ग्रामीण तबके से जाता है कि ये बांझ है, महिला को बांझ बता दिया, बांझ का मतलब ये कभी बच्चा पैदा कर ही नहीं पाएगी। कई केसेस आपके पास ऐसे भी आते होंगे, तो फिर उसमें क्या सिम्टम नज़र आते हैं और उसका किस तरह से इलाज होता है, दवाई से होता है या ऑपरेट से होता है? थैंक यू हरीश जी। बांझपन को आप अभिशाप ना समझें, और निसंतानता में अधिकतर मरीज जो हमारे पास आते हैं, आप ये मान के चलें कि उनमें से 80-90% तक पेशेंट ऐसे हो सकते हैं, अगर हम उनका लगकर इलाज करें, तल्लीनता से इलाज करें और उनकी बीमारी की जड़ को काट दें, जिस प्रॉब्लम, जिस बेसिक पैथोलॉजी के कारण, जिस बेसिक प्रॉब्लम को अगर करेक्टली आइडेंटिफाई कर लें और उसको जड़ से इलाज कर दें, चाहे वो स्त्री में है या पुरुष में है। मैं अक्सर कहा करती हूँ, चाहे हमें टेस्ट ट्यूब बेबी भी किसी का करना हो तो हमारे हाथ में अंडा स्वस्थ आना चाहिए, और अगर पुरुषों से हमें शुक्राणु लेना पड़े तो पुरुषों का शुक्राणु स्वस्थ हमें मिलना चाहिए। अगर दोनों ही स्वस्थ हैं और इन दोनों से स्वस्थ एम्ब्रियो या भ्रूण का या बच्चा अगर बनाया जाता है, तो औरत की जो झिल्ली है बच्चेदानी की वो भी हमें स्वस्थ मिले, औरत की ट्यूबें भी स्वस्थ मिले।
कई बार टेस्ट ट्यूब बेबी करने के बाद भी सिर्फ इसलिए वो बार बार फेल हो जाता है कि ट्यूब के अंदर बीमारी इतनी ज़्यादा है, जो बीमारियों की रहने की जगह ही ट्यूब में मानी जाती है, कि ट्यूब से जहरीला पानी टपक के उन बच्चों को बहा के ले जाता है या इस प्रकार का टॉक्सिक एनवायरनमेंट तैयार कर देता है कि वो IVF बार बार करने पर भी कामयाब नहीं होता। और मैं सवाल ये है कि ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी हमारे इंडिया में सबसे पहले हुआ था, आज भी ये एक प्रश्न का विषय बना हुआ है कि आखिर ये टेस्ट ट्यूब बेबी की नौबत आती कब है? मुझे ऐसे लगता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो इंडिकेशन है, जिसके लिए आज बहुत से डॉक्टर्स को दे हैव टू रिसोर्ट टू डूइंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें कि टेस्ट ट्यूब बेबी आता है, उसमें ट्यूबों का बंद होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। पॉलीसिस्टिक ओवरी, अंडे का ना बनना प्रॉपर आकार का, इन्फेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। और ये जो ट्यूबों का बंद होना है, ये एक बहुत बड़ी तादाद में अच्छे मार्गदर्शन से बचाया जा सकता है हमारी लड़कियों में, हमारी बेटियों में। एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बहुत कॉमन है हमारी यंग बच्चियों में, जिसके कारण उनको जवानी में ही बहुत दर्दनाक पीरियड होना या ब्लीडिंग ज़्यादा होना। अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवरी की प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया, अगर हम यंग उम्र में ही इन बच्चियों को अच्छे से मार्गदर्शन दें और शादी से पहले हर तरह की इन्फेक्शन को बचाने की एजुकेशन दें, और शादी के बाद भी अगर वो पेशेंट हमारे पास विजिट करते हैं, तो अगर हम किसी तरह से, क्योंकि ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि जिन स्त्रियों के पति के शुक्राणु नील होते हैं, नील हमारे बहुत से बच्चों के तो कच्चा दूध पीने के कारण नील है। देखो, गाय भैंसों का जो कच्चा दूध पिया जाता है, हमारे बेटे जिनके भी पैदा होते हैं, हम उनको सख्ती से मना करते हैं कि जानवरों से कई ऐसी बीमारियां इंसानों में आ सकती हैं, जैसे माँ से बच्चे में कच्चा दूध देने से, जिससे पुरुषों को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया हो सकता है, यानी कि उनके शुक्राणु जो बाहर, महीन नलिकाएं जो उनको शुक्राणु को बाहर लेके आती हैं, वो सब ब्लॉक हो सकती हैं। तो पुरुषों के अंदर अगर शुक्राणु नील होंगे किसी भी क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से, या पुरुषों में अगर शुक्राणुओं की तादाद कम हो, या शुक्राणुओं में तेज़ गति से चलने की क्षमता ना हो किसी क्रॉनिक इन्फेक्शन की वजह से, तो शादी के, खासकर मैंने ये देखा कि शादी के 3 साल के बाद, इस किसी किसी केस में 2 साल के बाद भी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी तीव्रता वाली इन्फेक्शन है, इन चीज़ों का असर हमें औरत की ट्यूबों में दिखने लगा। शादी के कुछ साल बाद कई बार अंडेदानी में भी उन्हीं इन्फेक्शंस की वजह से बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और पेशेंट्स को ये बात समझ नहीं आती कि जगह जगह डॉक्टर्स के पास जाके अगर वो स्त्री को कभी अंडेदानी की इन्फेक्शन या अंडेदानी में सिस्ट या ट्यूबों के ब्लॉकेज होने का इलाज करवा रहे हैं, दे फेल टू अंडरस्टैंड कि इसकी जो जड़ है, इसका जो कनेक्शन है उसके पति से, और किस वजह से इनको दिक्कतें हैं। इलाज करवा करवा के लोग थक जाते हैं, मगर उनको सारी ज़िंदगी इलाज की ज़रूरत पड़ती है, और हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। क्या सब बड़ी गंभीर बीमारी सुनने को मिलती है महिलाओं के अंदर कि महिलाओं के बच्चेदानी में रसौली हो गई है, जिसे एक दर्दनाक बीमारी कहा जाता है। कहने सुनने में ऐसा आता है कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि अगर एक बार ऑपरेट किया जाए तो फिर ये बीमारी दोबारा हो सकती है, तो ये बीमारी किन कारणों से होती है, तो क्या बचाव इसका शुरुआती तौर पर करना चाहिए? हरीश जी, बच्चेदानी के साथ साथ मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट अंडेदानी की सिस्ट, जिसको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहा जाता है, इसके बारे में बताना चाहूँगी। तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट में हमने क्या देखा कि ज़िंदगी में सदा ही ये विश्वास किया कि जितना ज़्यादा कंजर्वेटिवली हम काम करें, यानी कि ऑपरेशन कम से कम, और बिना ऑपरेशन के ज़्यादा से ज़्यादा आराम आए मरीज़ों को अपनी तकलीफ़ों से, और बार बार उन्हीं समस्याओं से पीड़ित ना हों। तो मैंने देखा कि इस सिस्ट में भी अगर 60% इसका रिलेशन एक इस प्रकार की इन्फेक्शन से हो सकता है, अगर हम उसको जड़ से उस इन्फेक्शन का इलाज कर दें, तो ये सदा के लिए ठीक हो सकती हैं। और मैंने देखा ये इट इज़ रियली वेरी, ये हमारी ज़िंदगी का बहुत एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा कि 3.5 से 4 सेंटीमीटर तक की एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को मैंने गायब होते हुए देखा। आप हैरान होंगे, कोई भी पढ़ा लिखा डॉक्टर जो रोज़ ऑपरेशन कर रहा हो, जिसके पास ऑपरेशन की लाखों के औजार और मशीनें हो,
लेकिन मैंने जिस तरह से इस इन इन हॉरिबल सिस को गायब होते हुए देखा जिंदगी में, गायब होने में भी साढ़े चार महीने लगे लोगों को, किसी का 3 महीने में इलाज हुआ डिपेंडिंग अपॉन कि कितने उसकी साइज़ की सिस थी, और उसके बाद अगर जड़ से इलाज हो गया तो इन लोगों की IVF में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, जो भी हमने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यूज़ करनी थी उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और सबसे अच्छी बात हुई कि इनकी ओवेरियन रिजर्व भी अच्छा रह गया, इनको अपने अंडों को नहीं खोना पड़ा, अंडों का खजाना, और भी अच्छी बात यह थी कि हर 2-3 साल बाद इन लोगों को किसी नए डॉक्टर के पास जाके ऑपरेशन करवाने की नौबत नहीं आई, बच्चे भी हो गए, एक बार बच्चे हो जाएं तो बीमारी सदा के लिए ठीक हो जाए, तो दिस वॉज अ वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस, वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड। और दूसरी बात यह है कि बच्चेदानी के अंदर होने वाली रसौली, हम सबको ये याद रखना होगा कि जनरली 5 सेंटीमीटर तक की अगर रसौली हो तो उसका ऑपरेशन ना करवाएं, क्योंकि अननेसेसरीली बच्चेदानी से छेड़छाड़ करना हो सकता है, किसी की बच्चेदानी फट जाए अगर अननेसेसरीली हम ऑपरेशन करें। और ये जितनी भी बच्चेदानी की रसौलियाँ जो बाहर की तरफ होती हैं, जिनको हम सब सीरस कहते हैं, इनमें से बहुत सी इनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। जो रसौली बच्चेदानी की झिल्ली के जितने पास होगी और जितना बड़ा साइज़ होगा, या अगर गुफा के अंदर लटक रही है सपोज़ कोई बहुत बड़ी रसौली, तो ये वो रसौलियाँ हैं जिनका ऑपरेशन के बिना हमारे काम हो सकते आगे ना बने, या पेशेंट की प्रेगनेंसी फुल टर्म तक पहुँचाना संभव ना हो। तो ये बहुत ही सोच समझ के ऑपरेशन के फैसले लें, और हमेशा अच्छे डॉक्टर से 2-3 एक्सपर्ट ओपिनियन लेके ही इसका फैसला करें, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ऐसा भी वक्त था जब बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हो जाते होंगे शायद दुनिया में, शायद किसी की ज़रूरत हो या ना हो, तो ज़िंदगी में ये फैसले ध्यान से लें, और ईश्वर करे कि सभी लोग बड़े अच्छे से एक तरह से जिसको हम कहते हैं बेसिक पैथोलॉजीज़ का अच्छा इलाज करवाते हुए, सब चीज़ों को समझते हुए सफलता प्राप्त करें। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने देखी कि जिन पुरुषों में शुक्राणु कम थे, या जिनके शुक्राणुओं में तेज़ भागने की क्षमता नहीं थी, और जिनके जो रीजंस थे वो क्रॉनिक इन्फेक्शन से रिलेटेड थे, जहाँ जहाँ इनका अच्छे से बेसिक पैथोलॉजी का इलाज नहीं किया गया और सीधा ही IVF कर दिया गया, तो हमने देखा कि उनसे तो बीमार शुक्राणुओं से बच्चे भी बीमार पैदा हो रहे हैं। बीमार मींस दे मे नॉट बी एज हेल्दी एज दे, बिकॉज मुझे लगता है कि शायद मरीजों को इस बात का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर को सदा इस बात की चिंता होती है कि जो भी हम आज बच्चे पैदा करवा रहे हैं, मैं पंजाबी में एक शब्द कहती हूँ कि आप तुसी यही अरदास करो परमात्मा अगे कि लंबियां उम्रां वाला ते चंगियां सेहतां वाला ते लंबियां उम्रां वाला। हम सारी ज़िंदगी तड़फते ना रहें कि बच्चा पैदा भी हुआ तो क्या हुआ, इसको तो ये सारा हस्पतालों का ही मरीज़ है बच्चा। तो हमें बहुत हेल्प मिली जब हमने पुरुष के शुक्राणुओं को स्वस्थ किया बहुत अच्छे से, चाहे 3.5, 3, 3.5 महीने, 4 महीने जो भी इलाज करना था, और उसके बाद हम लोगों ने जब उनके IVF किए, औरत का इलाज किया, तो दे आई थिंक वी वर ऑल हैप्पी, नॉट ओनली पेशेंट्स वर हैप्पी, इवन द डॉक्टर्स वर हैप्पी। सब एक मेरा बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल आपसे है कि अक्सर देखने में आता है कि शहरों में जो पति पत्नी न्यू मैरिड हो जाते हैं, जिन्हें कपल बोलते हैं, और वो सर्विस करते हैं, मियाँ भी सर्विस करता है, पत्नी भी सर्विस करता है, लेकिन अक्सर उनके दिमाग में यह जाता है कि अभी बच्चा हम नहीं करेंगे, 3-4 साल में करेंगे। क्या यह उचित है, शादी के कितनी स्टेज पे कितने सालों में बच्चा पैदा कर लेना चाहिए? ये समाज वालों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बड़ा सेंसिटिव और बहुत अच्छा सवाल है हरीश जी। हमारे पुराने ज़माने में दादी नानी और जितने भी बड़े लोग थे वो कहा करते थे कि 35 तो पहले पहले 2 बच्चे हो जाने चाहिए। पंजाबी का शब्द है, 35 साल से पहले पहले आपकी फैमिली पूरी हो जानी चाहिए, और हमारे पास किसी भी उम्र का पेशेंट आ जाए, हम बहुत लकी रहे हैं अपने जीवन में। हमारे पास मुझे याद है एक पेशेंट का, बहुत बड़ी उम्र का हमने अंडा लिया था, उनका 48 और उनका पहला ही IVF कामयाब हुआ था 1 साल के इलाज के बाद। तो वो जब 48 साल के थे तो मुझे मिलने आए, और वो अपनी गोदी में हमारा IVF से जो कामयाब हुआ था वो 10 महीने का बच्चा लेके बैठे थे। वो बच्चा भगवान की कृपा से इतना सुंदर है, इट लुक्स लाइक अ ब्रिटिश बेबी। और तब मुझे ख्याल आया कि ओ माई गॉड, दिस मे बी अ रिकॉर्ड ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज मेरे ख्याल वो 46 साल के थे, तो हमने उनका अंडा लिया, 20 साल से उनको बच्चा नहीं था,
लेकिन मेरे ख्याल से शायद ये लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में देखें तो इट मे बी अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ कि इतनी बड़ी उम्र का अंडा जो पहली बार में कामयाब हुआ। बट मेरी विनम्र जो विनती है वो आप सबसे यह है कि 35 साल की उम्र के बाद आपके बच्चों की बुद्धि कहीं मोटी ना हो जाए, कहीं मोटी बुद्धि का बच्चा ना पैदा हो जाए जिसका दिमाग कम हो, जिसका IQ कम हो, इसके चांस बहुत हाई हो जाते हैं। इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में, UK में भी मैंने काम किया 4 साल, तो वहाँ पे 35 साल की उम्र के बाद जब किसी को प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे सुई मार के 4 महीने की प्रेगनेंसी में पानी लिया जाता है कि अगर बुद्धि मोटी वाला बच्चा पैदा हो गया या मंद बुद्धि बच्चा पैदा हो गया तो ये इनके लिए सारी उम्र की सज़ा होगी। तो मेरी यही विनती है कि जवानी जवानी में बच्चे पैदा करें, अपने ही अंडे से बच्चे अगर हमें पैदा करने हैं और ये जो फूल जैसे बच्चे और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे अगर हम चाहें तो 35 साल की उम्र से पहले पहले अगर फैमिली पूरी हो जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा होगा समाज के लिए। एक सवाल हो, ये आजकल जो अब शादी के बाद अब जितने भी बच्चे पैदा होते हैं मोस्टली अब ऑपरेट होने लगे हैं। पहले दाइयां घर में बच्चे पैदा कर देती थी, होम डिलीवरी हो जाती थी, लेकिन आज कोई भी मेरे ख्याल शायद ऐसी महिला बेहद कम बच्चे जिसका बिना ऑपरेट के इसके ऑपरेशन के बगैर बच्चा ही नहीं होता। ये क्या प्रॉब्लम है? मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये मल्टीफैक्टोरियल हो सकती है, बिकॉज मैं ये देखती हूँ कि कलयुग में हिंदुस्तान में आके मैंने पाया कि हम लोग एक बहुत ही दूषित एटमॉस्फेयर में जी रहे हैं। करनाल वासी थोड़े लकी हैं कि हमें एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इतनी नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि कनकों में, चावल में, दाल में, सब्जियों में, फलों में, इनफैक्ट जहरीले फल खा रहे थे हम लोग, इतना ज़्यादा प्रदूषण था, कीड़े मार दवाई की पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे इतने ज़्यादा थे, मैं तो हैरान रह गई कि सेब के ऊपर भी लोग पेस्टिसाइड स्प्रे मार के बेच रहे थे जो, तो इतनी ज़्यादा हमें पेस्टिसाइड की मात्रा थी कि आज हमारे घर घर में थायराइड की बीमारी, क्योंकि हमारी एंडोक्राइन ग्रंथियां सबसे पहले अफेक्ट होती हैं, थायराइड की बीमारी, BP की बीमारी, शुगर की बीमारी, वो भी हमारी पैनक्रियास भी एंडोक्राइन ग्रंथी है, तो घर घर में मरीज पैदा हो गए, लोगों का जीवन काल कम हो गया जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हो, फॉरेन कंट्री में लोग 90-95 साल तक जी रहे थे। तो एक तो हमारा खाने पीने में मिलावट, दूसरी बात है कि हमारे ज़िंदगी में फ़ास्ट फूड आ गया, तीसरी बात है हमारी ज़िंदगी में TV आ गए और ये जितने मोबाइल बहुत ज़्यादा आ गए, तो इससे क्या हुआ कि हमें ना टाइम नहीं होता था कि हम खाने के बारे में इतना ध्यान दें, इतना सोचें, हमारी ज़िंदगी में एक्सरसाइज कम हो गई और आप एक्सरसाइज कम हो गई और आपको मुझे माफ़ करना पड़ेगा ये कहने के लिए कि हमने जो कलयुग का नया रूप देखा वो ये देखा कि जो चरित्र थे लोगों के, या जिसको आप बेसिक वो कहते हो कि जो मॉरल वैल्यूज़ थी पूरे समाज की, मॉरल वैल्यूज़ में बहुत चेंज आया। तो मैं कई बार, मेरे पास पेशेंट आते हैं, दो दो तीन तीन लड़कियां मरवा के आते हैं, तीन तीन बार, चार चार बार बच्चों लड़कियों को मरवाया हुआ, और फिर बोलते हैं जी फलाने डॉक्टर की गलती थी, हमारे को बच्चे की धड़कन बंद हो गई, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, वो डॉक्टर भी बेकार निकला, वो उनकी धड़कन बंद हो गई, फिर हम उसके बाद सफाई कराने गए तो बच्चेदानी से चिपक गया सब कुछ और वो डॉक्टर की फिर गलती थी, फिर इतने डॉक्टरों के पास जाना पड़ा, कुछ बाहर नहीं निकलता था, जो DNC करवानी पड़ी। तो मैंने देखा कि ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि हमारा जो कर्मज है, जो कर्म की थ्योरी है, हमारे कर्मास का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है हमारे इम्यून सिस्टम पे। अब ये कोरोना के आने के बाद हम बार बार कहने लगे कि आत्मा की शक्ति से इम्यून शक्ति को बहुत बल मिलता है, जितनी किसी इंसान की आत्मा की शक्ति ज़्यादा होगी उतना ही महान उसका इम्यून सिस्टम होगा। और आई डू बिलीव कि अगर हर इंसान के कर्म भी उतने ही महान हो जाए जितने महान तरीके से वो लाइफस्टाइल जीना चाहता है, प्योर खाना खाना चाहता है, प्योर जीवन जीना चाहता है, एक्सरसाइज, हर चीज़, तो अगर उतनी ही प्योरिटी ऑफ थॉट हम अपने बिहेवियर में, अपने कर्मा में लाएं, और हमें हर चीज़ एक तरह से बस हवा में ऑक्सीजन प्योर से लेके हमें हर चीज़ प्योर मिले, तो कहीं और हम उन सब चीज़ों का भी पालन करें कि हम अपने सारे समाज में क्रांति फैला दें, एक सारे समाज को इन्फॉर्मेशन दें, उनको इन्फॉर्मेशन की शक्ति दें कि किस किस तरह से वो बचाव की मेडिसिन को
द पावर ऑफ प्रिवेंशन को यूज़ करें अपने जीवन में, और जितनी भी चीज़ों का, आप जैसे कैंसर्स बहुत हो गए अभी कोरोना युग से, पहले वी वर वेरी वरिड कि हर घर में दिल्ली में टावर लगा हुआ था, ये मोबाइल की भी रेडिएशन बहुत ज़्यादा है, वाईफाई की रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो यही एक ऐसे स्वर्ग की कल्पना करती हूँ जिसमें प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ एक्शन से हर चीज़ में हमें प्योरिटी मिले। और मैं ये दावा करती हूँ कि अगर हर पति, हर घर में पति अपनी पत्नी से प्रेम करेगा और हर चीज़ में हमें पवित्रता मिलेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो आर्टिफिशियली हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी, और अगर हर इंसान एक महान लाइफस्टाइल जिएगा, अगर आज एक लड़की को प्रेगनेंसी के दौरान, देर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो डॉक्टर प्रभजोत कौर डॉट प्रेगनेंसी, मैं ऐसा सोचती हूँ ईश्वर करे जो ये 8 मिनट की वीडियो देखे, हालांकि मैं अब डिलीवरीज नहीं करती हूँ इस हॉस्पिटल में, मैं ज़्यादा जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनका इलाज करती हूँ, जो 70-80% औरतों को प्रेगनेंसी में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, बड़ी से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, ये वीडियो देख के बच जाए। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूँ, 60-70% मुझे थोड़ा कम कहना चाहिए कि बहुत लार्ज परसेंटेज अगर इस वीडियो को देख लें और समझ लें और औरतों की इतनी महान प्रकार से सेवा हो जाए जिस प्रकार की सेवा का मैंने वर्णन किया उस वीडियो में, तो मुझे लगता है कि बहुत सी लेडीज़ को ये बच्चे के आसपास पानी कम होना, बच्चे के आसपास बच्चे का बढ़ना ना बढ़ना फूलना, और अगर हर घर में ऐसा माहौल होगा, पति शराब नहीं पिएंगे, या ऐसा माहौल होगा कि पत्नी के दिमाग पे कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, तो मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रेस है, देखो स्ट्रेस आज हम पहचानते हैं कि स्ट्रेस से औरतों को डायबिटीज़, मर्दों को डायबिटीज़, तो अगर एक बहुत ही खाने पीने में भी अगर वो सब किया जाएगा, जैसे हम लोग कहते हैं कि औरत को प्रेगनेंसी के दौरान 3-3.5 लीटर पानी पीना है, किस प्रकार से पीना है, 1-1.5 किलो दही खानी है, शाम को नहीं लेनी, खट्टी नहीं लेनी, और खुराक का इतना महान ख्याल, और हर तरीके से हम उन बातों का ख्याल रखें। देखिए पुराने ज़माने में जब लोग गर्भवती महिलाओं के ये हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि गर्भवती महिला ये नॉर्मल रिलेशन से भी ये लोग दूर रहते थे ऑल थ्रू आउट प्रेगनेंसी, लेकिन आजकल कलयुग में इतने ज़्यादा चेंजेस आए हमारे नॉर्मल बिहेवियर्स में कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, बेचारों का मिसकैरेज हो रहा होता है और हम उनसे पूछते हैं बहुत सी बातें, तो वो कहते हैं कि ओ वी डोंट नो, वी आर जस्ट लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। तो ये इस प्लेटफॉर्म पे मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से खुल के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मेरा ये मानना है कि आजकल की बहुत सी समस्याएं बच्चे के आसपास, जब पानी पूरा नहीं होगा, जब बच्चे की, जब माँ का खान पान अच्छा नहीं होगा, माँ हमेशा चिंताओं में जकड़ी रहेगी, जब माँ को यूरिन इन्फेक्शंस होंगी, जो कि सिर्फ मैं कैसे बताऊं कि ये कुछ ऐसी कीटाणु संक्रमण होते हैं माँ में जिनका सिंपल यूरिन के रूटीन टेस्ट से पता ही नहीं चलता। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो अगर हम हज़ारों तरह के कीटाणु संक्रमण बचा लें या उनका समय पूर्वक इलाज कर दें, उसकी खुराक महान रखें, पति फूलों की तरह पत्नी को रखें, और अनेकों तरह से इनका ध्यान रखा जाए, तो मेरे ख्याल से, और पत्नी एक्सरसाइज भी करे और वो सारा एक महान लाइफस्टाइल जिए, तो हो सकता है कि वील कम बैक टू दैट स्टेज जब हम कहते थे 5-15% जो है उनको सिजेरियन की ज़रूरत पड़ेगी या 10-15% को, और बाकी सभी की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। सवाल मैं जरूर, मेरे दिमाग में बड़ी देर से कूद रहा है, IVF की जब तकनीक आई ना, कुछ लोगों के मन में इसका मतलब कुछ इसका गलत, मेरे को तो लगता है गलत फ़ायदा उठा रहे हैं कि 60 साल की उम्र में बाप बनना, आपका भी इसी IVF का हॉस्पिटल है मेरे ख्याल, मैंने आपके कई केस ऐसे देखे हैं जो 60-70 के बीच में कई लोग माँ बाप बने इस तकनीक से, क्या ये उचित है? जैसे आपने बताया कि 35 साल के बाद अगर कोई बच्चा महिला जो बच्चे को जन्म देती है, हो सकता है उसका दिमाग मोटा हो जाए। तो काफ़ी बड़ी उम्र में लोगों ने अप्रोच किया जिन्होंने हमें बताया कि हम अपना करियर ही बनाते रह गए, या फॉरेन कंट्री में हमें जाके अपना करियर बनाना था और अब हम बच्चे करना चाहते हैं। इनमें से कुछ कपल्स ऐसे थे जिनके अंडे भी ख़त्म हो चुके थे, तो इन लोगों को अंडे दान द्वारा बच्चा करवाया जा सकता था, लेकिन ये सलाह एक गोल्डन सलाह सदा रहेगी कि 35 से पहले आप अपना बच्चा करवाइए, और चाहे आपको डॉक्टर्स कितना ही क्यों ना कहें कि आपके अंडों को फ्रीज़ किया जा सकता है, आज आपके अंडों को फ्रीज़ करके 45 साल की उम्र में आपका बच्चा करवाया जा सकता है, मेरे ख्याल से हमें नेचुरल काम की और खुदा ने, परमात्मा ने जो हमें चीज़ें दी हैं उसकी रिस्पेक्ट करते हुए 35 साल से पहले बच्चे करने चाहिए, और
एक बार आप सवाल दोबारा रिपीट कर दीजिए। सवाल ये था कि जैसे IVF की तकनीक आई तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो 50 साल के 60 साल के हो गए थे, क्योंकि ये तकनीक बाद में ही उन्होंने सोचा अब इस तकनीक का फ़ायदा उठाया, वो भी माँ बाप बन गए, ठीक है ना। लेकिन आप एक बहुत बड़ी आपने गाइड वाली बात बताई कि अगर 35 साल से पहले जो बच्चे कर लिए जाएँ तो वो दिमाग के न केवल तेज होंगे बल्कि शारीरिक रूप से भी पुष्ट होंगे। तो क्या वो लोग जो 50 या 60 साल की उम्र में माँ बाप बन रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मेरा बड़े गंभीरता से सवाल है, क्या वो अपने जन्म देने वाले बच्चों की जान को जोखिम में नहीं डाल रहे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरीश जी। गवर्नमेंट ने भी डॉक्टर्स की मदद करने के लिए एक बहुत ही अच्छी गाइडलाइन बना दी है कि 45 साल के बाद गवर्नमेंट ने, एक्चुअली इंडिया में इन्होंने 45 साल कहा है कि 45 साल के बाद आप IVF की पद्धति से बच्चे ना करवाएं। और UK में ये जो उम्र है ये 55 साल है, वहाँ पे 55 साल के बाद IVF से बच्चे ना करवाने की हिदायत दी जाती है सरकार की ओर से। और पुरुषों में भी ये प्रेफर किया जाता है कि 45 साल की उम्र से पहले पहले उनके शुक्राणु ले लिए जाएं। और 50 साल तक इसकी जो बॉटम लाइन है कि 50 साल के बाद की उम्र के पुरुष के हम शुक्राणु नहीं लेना चाहते। और मेडिकल साइंस अब ये सिद्ध कर चुकी है कि जितना औरत का अंडे की उतनी ही उम्र होती है जितनी उम्र औरत की होती है, तो जितना फ्रेश और यंग अंडा होगा उतना ही बच्चे के लिए अच्छा होगा। और शुक्राणु के लिए भी जितना फ्रेश और यंग शुक्राणु होगा उतना ही माँ बाप के लिए और बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। इसलिए एज अ जनरल रूल ये सारी पॉपुलेशन को जो हम लोगों को फॉलो करना चाहिए कि 45 की उम्र से पहले पहले बच्चे हर अवस्था में हों, और औरतों में 35 वर्ष की उम्र से पहले पहले आपकी फैमिली पूरी हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो कोरोना ने दस्तक दी है, क्या ये जीवन में बदलाव की आहट है, संकेत है, क्या है बड़ा ये चीज़, क्या आ रही है, इतनी बड़ी बीमारी आ गई, क्या इससे लगता है ये बीमारी छटेगी या लोगों को चपेट में ले सकती है, और क्या क्या करना चाहिए बचने के लिए, खास तौर पे गर्भवती महिलाओं? कोरोना के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि कोरोना चीन द्वारा पैदा किया हुआ एक बहुत बड़ा इंसानियत के लिए एक डिज़ास्टर है। और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि कोई भी वायरस ईश्वर से बड़ा नहीं है। तो मुझे एक बहुत महान भरोसा है कि अगर पूरा हिंदुस्तान नाम जपे, और पूरा हिंदुस्तान हम सबके अंदर भी एक्चुअली एक ईश्वर बैठा है। मैं कहा करती हूँ कि चीन ने जो गलती की, भगवान को तो अपने प्यारे इंसानों को बचाने के लिए प्रकट होना पड़ रहा है कि हमारे बंदे बचे रहें, ठीक रहे ये संसार ये दुनिया। तो आप सबको मुझे लगता है कि ये जो हम सबके अंदर एक ईश्वर का एक स्वरूप बैठा है जिसको हम आत्मा कहते हैं, तो आप सबके अंदर जो ईश्वर है आप उसको जागरूक करिए। हमें वो सब कार्य करने हैं जिससे हम लोग बचे रहें, चाहे वो खान पान में हो, चाहे वो एक्सरसाइज में हो, चाहे वो किसी भी इंस्ट्रक्शन के रूप में हो, हमें उन सब का पालन करना है। हमें मास्क भी लगाना है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, हमें डॉक्टर्स की जान भी बचानी है। आज मैं देखती हूँ कि बहुत से पेशेंट बिना मास्क के ओपीडी में आ जाते हैं, हालांकि उनको कितना ही कहा जाए ओपीडी में आके भी मास्क उतार देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो बहुत पसीना आ रहा है मास्क से। कभी कभी दोस्तों के पास जाते हैं तो सोचते हैं ये दोस्त को कोरोना नहीं होगा, उतार देते हैं मास्क। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप सभी प्रिकॉशंस का पालन कीजिए। और दूसरा, आज गर्भवती महिलाओं को क्या खास ऐसा है कि नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, जैसे कि आप पानी, गर्म पानी या कोसा पानी या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, आप पानी दबा के पीजिए, वॉश अवे द वायरस, विच मीन्स आपका हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा हो। पानी आपने खाने से आधा घंटा पहले और 2 घंटे बाद तक ज़्यादा पानी नहीं पीना है। कम से कम कोरोना महामारी तक आप सफ़ेद चीनी या जो चीनी का प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। लेकिन जितनी भी कुदरती चीज़ें जो भगवान ने कहते हैं परमात्मा की दी हुई मीठी चीज़ें जैसे फल फ्रूट है, ये आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। आम पब्लिक के अंदर जैसे अदरक,
अदरक लहसुन को बड़ा नेचुरल एंटीबायोटिक माना गया इंसान के जीवन का, और जो तुलसी है या हल्दी है और अदरक, ये तीन चीज़ों को पिलर्स ऑफ रेस्पिरेटरी हेल्थ माना गया है, तुलसी, हल्दी और अदरक। और इसके अलावा देखिए, सब्जियों में कलौंजी का इस्तेमाल, हर तरह के हेल्दी मसाले का इस्तेमाल, तो इस तरह की बहुत इंस्ट्रक्शंस हैं। स्प्राउट्स यानी कि आपको प्रोटीन बहुत है, प्रोटीन की मात्रा आपके अंदर, जिंक जाना चाहिए, आपके विटामिन डी लेवल्स पूरे होने चाहिए। आंवले का प्रयोग बहुत अच्छा माना गया है। गांव में जो लोग हैं जिनके पास नीम के पेड़ लगे हुए हैं, तो नीम के पत्ते को एक दो घंटे चबा के मुँह में रखना, या आंवले को क्रश करके चाहे नमक लगा के या बिना नमक के उसको एक दो घंटे मुँह में रखना। आप कहीं हॉस्पिटल जाते हैं, बाज़ार जाते हैं और वापस आते हैं, आप नमक और सेंधा नमक और हल्दी के गरारे करके जाइए और वापस आके भी कीजिए। रात को सोने से पहले भी आप सेंधा नमक हल्दी के गरारे कर सकते हैं। और अगर आपको कभी भी कोई भी कुछ ऑड लगे, आप सुबह शाम या रात को सोते हुए भाप भी लेके सो सकते हैं। और जिन लोगों को तकलीफ़ है या नहीं है, अजवाइन की भाप बहुत अच्छा काम कर रही है कोरोना से बचाने के लिए। तो प्रेगनेंसी में मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन, जैसे पहले 3 महीने में गर्म चीज़ों का सेवन मना किया गया है, तो प्रेग्नेंट औरतें सिर्फ ये ख्याल रखें कि उनके जो घर के लोग हैं उनसे उनको इन्फेक्शन ना आए। मास्क का प्रयोग करें, मास्क भी साफ होना चाहिए। देखो, आपके हाथ में भी वायरस हो सकता है, आपके हाथ का वायरस आपके मास्क में ना लगे। और ज़्यादा गर्म चीज़ों का प्रयोग ध्यान से करें, क्योंकि प्रेग्नेंट औरत को, अगर प्रेग्नेंट औरत के परिवार वाले सुखी और सुरक्षित होंगे और बीमारी से रहित होंगे, तो प्रेग्नेंट औरत को इसकी मदद मिलेगी। और जब आप हॉस्पिटल में जाएं, तो अपने साथ कैटल लेके जाएं, अपने साथ स्टीमर लेके जाएं, तो और अपने साथ अपने कमरे में आने वाले लोगों को मिनिमम रखें। डिलीवरी के बाद भी हर लोग मास्क लगा के मिलें। अगर आपसे मिलने वाले रिश्तेदार आते हैं, तो एक से ज़्यादा रिश्तेदार प्रवेश ना करें, और 6 फुट की दूरी पर आपको रिटर्न में ग्रीटिंग्स दिखा के चला जाए कि आपको बहुत बहुत बधाई हो, या दूर से फूल दिखा के चला जाए। बातें ना करें, और एक दूसरे के साथ सांसों का कम से कम आदान प्रदान करें। मेरा ये विश्वास है कि अगर सारा हिंदुस्तान परमात्मा का नाम जपे और सही सही काम करे, सही सही कार्य करें जो हमें करने चाहिए, तो हो सकता है कि नवंबर के बाद या कुछ महीनों के बाद इसकी मार करने की शक्ति घट हो जाए। क्योंकि मुझे ईश्वरीय ताकत पर इतना भरोसा है कि जो गलती चीन ने की, उसको भगवान हम बहुत लोगों को बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आखिरी सवाल शॉर्ट में जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर बनना आपका सपना था या आपके मत पता? मैंने जीवन में हमेशा देखा कि डॉक्टर्स एक्चुअली आर द रियल हीरोज इन लाइफ। मुझे लगता है कि डॉक्टर एक सर्वश्रेष्ठ उपाधि है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हर गली मोहल्ले में, हर गली नुक्कड़ पे बैठा डॉक्टर इंसान डॉक्टर कहलाता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर से बड़ा रियल हीरो, हीरो इन रियल लाइफ शायद कोई भी नहीं। तो मैं मेरी तो बचपन से ये कामना थी कि कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे हम लोगों से जुड़े रहें और लोगों के, हमारा जीवन लोगों के काम आए, सेवा में काम आए, और हर पल हमें आनंदित करके जाए। ये आपका सपना था डॉक्टर बनना? ये मेरा सपना था। मैं भगवान के शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरा सपना परमात्मा के आशीर्वाद से। तो ये थी डॉक्टर प्रभजोत कौर। इन्होंने बहुत बड़ी आपको आज हिदायत भी दी, एक नसीहत दी, और आप इसको अमल में डालिए, अपने दिमाग में बिल्कुल आप इसको फिट कर लीजिए कि जो लोग शादी कर चुके हैं अभी रिसेंटली और जो माँ बाप बनना चाहते हैं, वो ऐसा ना सोचें कि हमने बाहर जाना है, अभी कोरोना साल में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम विदेश यात्रा करेंगे, उसके बाद फिर माँ बाप बनेंगे। ऐसा नहीं है। बड़ी एक इन्होंने तकनीकी वाली बात ये बताई कि 35 साल के बाद जब भी आप सोचते हैं कि माँ बाप बने, तो मोस्टली जो है ना, बच्चे जो है इतने बुद्धिमान नहीं होते। दूसरी इन्होंने बताया कि गर्भवती जो इस समय महिलाएँ गर्भ से हैं, उन्हें क्या यूज़ करना चाहिए, किस तरह की पालन करना चाहिए, कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर प्रभजोत ने हालांकि कोरोना की जब बात की, तो उन्होंने इससे अध्यात्म से जुड़ा और बताया कि ईश्वर सबसे बड़ा है, और वो आज अपनी औलाद यानी कि हम जैसे बच्चों को बचाने के लिए वो खुद भी मशक्कत कर रहा है। अच्छी बात बताई। हमारा सिर्फ मकसद यही था कि जो जिन महिलाओं के अंदर, जिन पुरुषों के अंदर ऐसा हो जाता है कि शादी के बाद बच्चा नहीं हो सकता, या कई तरह की भयंकर बीमारियां जैसे अंडेदानी में रसौली या सोजिश हो जाती है, इस तरह की महिलाओं को बड़ी दिक्कत आती है पेट से संबंधित, गर्भ से संबंधित,
तो उसमें घबराने की बड़ी जरूरत नहीं है, बड़ी अच्छी तकनीक आ गई है। डॉक्टर प्रभजोत कौर ने जो गुरु नानक अस्पताल की संचालिका है, अच्छा इनका एक्सपीरियंस है और अच्छी गाइड करती हैं। अभी हमें तो कुछ दिन पहले की बात है कि एक गरीब महिला थी और उसे बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन डॉक्टर प्रभजोत कौर की बड़ी कृपा हुई, आज उनकी गोद में बच्चा है। इस तरह की ये तकनीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये तकनीक करनाल में है और एक अच्छी सक्षम प्रतिभावान महिला भी हमारे शहर करनाल में, और उसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। तो डॉक्टर प्रभजोत कौर जी, समाचार एक्सप्रेस के साथ आपने इतना समय दिया, आपने बातचीत की, आपने महिलाओं को बखूबी समझा, इसके लिए समाचार एक्सप्रेस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया हरीश जी, नमस्कार। देश प्रदेश की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए समाचार एक्सप्रेस, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।